इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने Redmi के किसी भी मोबाइल फ़ोन में एक सेटिंग देखने को मिल रहा है पैलेस न्यू ऐप ऑन द होम स्क्रीन का, तो ये क्या होता है, इसका क्या यूज है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये सेटिंग आपको मिलेगा कैसे, जब आप अपने Redmi मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर नीचे आएंगे, नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन का, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ होम स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां पर क्लिक करेंगे, इसमें अगर आपका विथ ऐप ड्रॉअर सेलेक्ट है फिर तो इसमें जब आप सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा पैलेस न्यू ऐप ऑन द होम स्क्रीन का। अगर ये सेटिंग आपके फ़ोन में इनेबल है, आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में ऑन है, तो अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि कोई भी ऐप अगर आप इंस्टॉल करेंगे या किसी के मोबाइल से लेंगे तो वो ऐप सबसे पहले आपके यहाँ होम स्क्रीन पर ऐड होगा और उसके बाद आपके ऐप लिस्ट में आ जाएगा। तो इस सेटिंग को ऑन रखने से ये होता है। लेकिन देखिए जब आप इस सेटिंग को बंद कर देंगे तो क्या होगा कि कोई भी नया ऐप होम स्क्रीन पर ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ आपके ऐप लिस्ट में ही ऐड हो पाएगा, होम स्क्रीन पर ऐड नहीं होगा, होम स्क्रीन पर ऐड नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं इस सेटिंग को Redmi के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।